हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि जैन। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, शादी विवाह का सीजन चल रहा है और आपको शादी में जाना है और कोई हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपके सामने लेकर आए एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइल जो बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इजी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये देखिए, डोनट मैंने इसमें लिया हुआ है। डोनट से हम कोई भी अगर कम बाल हैं और अगर जूड़ा आपको बनाना है तो बहुत कम वॉल्यूम वाले बालों में भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इनका वॉल्यूम बालों का अच्छा है तो इससे और बड़ा जुड़ा दिखेगा, और बहुत कम वॉल्यूम अगर है तो उनको क्रिम करके हम ये डोनट काम में ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें डोनट लगाएंगे। डोनट को हम अच्छी तरह से पिनअप कर देंगे ताकि वो हिले ना, क्योंकि बाद में अगर इसमें हम बाल सेट करते हैं तो बाद में ये हिलता रहता है, इसलिए दो तीन इसमें हेयर पिन लगा के हम इसको सेट कर देंगे। अब इसको बालों को फैलाकर पूरे डोनट को कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे डोनट को कवर करके इसमें हम एक बैंड लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से सिंपल हमने रबर बैंड लिया है और इसको अच्छी तरह से इसमें लगा देंगे। ये देखिए, अब जूड़े का हमारा शेप बनकर तैयार हो गया है, और अब इसको बड़ा करने के लिए हम साइड के बालों का यूज़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, अब जो साइड के जो चारों तरफ के जो बाल हैं उनको हम ट्विस्ट करते हुए इसके साइड में लगाते चलेंगे, जिससे जो हमने रबड़ बैंड लगाया हुआ है वो भी दिखाई नहीं देगा, वो भी इसमें कवर्ड हो जाएगा और बालों से जुड़ा भी बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दो पिन इसमें भी लगा देंगे, कई बार ये भी निकलने लग जाता है तो पिन अप कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये हम इसको ट्विस्ट करके ले रहे हैं, ये देखिए ट्विस्ट करते जाएंगे और नीचे के बालों को लेते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी 2 मिनट में बनने वाला हेयर स्टाइल है। आप चाहें तो इसको चोटी की तरह इसमें गूथ भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी ये हेयर स्टाइल बन जाता है। वो भी मैं दूसरे वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। तो एक राउंड में हमने जितने बाल इसमें आ सकते थे वो सारे ट्विस्ट करके ले लिए हैं। अब इनको भी अच्छी तरह से पिनअप कर देंगे। अब जो दूसरे बाल बचे हैं उनको भी उसी तरह से ट्विस्ट कर देंगे। आप चाहे तो इनको दूसरी साइड में भी इसको कर सकते हैं। हम एक ही साइड में किए हुए हैं क्योंकि बड़े बाल थे तो ये पूरे राउंड हो गए। अगर छोटे बाल हैं तो आधे को लेफ्ट साइड में और आधे को राइट साइड में इस तरह से भी हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बड़े बाल थे तो पूरा राउंड आ गया था, इसलिए हमने एक ही राउंड में इन बालों को कर दिया है। अब ये देखिए, पिनअप करने के बाद कितना सुंदर ये जुड़ा, बहुत इजी बन गया है। मैं बहुत ही इजी हेयर स्टाइल आपके सामने शेयर करती हूँ, जो आप इसको चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसी दूसरे की हेल्प से भी इसको बनवा सकते हैं। और अगर आप पार्लर भी चलाते हैं तो इस तरह से नॉर्मल हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये गजरे की माला है मेरे पास, मैंने वो लगाया इसमें। और इसमें कोई भी, अगर आपके पास उस टाइम गजरा अवेलेबल नहीं है या आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में आप जो जूड़े का जो सेंटर पार्ट है उसमें आप फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं, साइड में आप कोई एसेसरीज है तो वो भी लगा सकते हैं। उस टाइम आपके पास जो भी अवेलेबल है आपको वही काम करना चाहिए। और अगर मोगरे की ये माला वेड़ी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा दी है इसको पूरा। ये देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया हमारा ये जूड़ा। वेड़ी मैंने इसको बहुत बड़ी थी तो इसमें 3 राउंड इसमें हो गए थे। अभी बीच में देखिए, मैंने इसमें लगाया व्हाइट फ्लावर।
तो वाइट वेणी के साथ ये वाइट में मज़े नहीं आए, तो मज़े नहीं आए। तो फिर मैंने इसमें लगाया रेड फ्लावर, देखिए तो वाइट वेणी के साथ रेड फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये देखिए आप कितनी जल्दी हेयर स्टाइल बन के तैयार हो गई अपनी। और तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।